हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आपको बताएं, 1993 में जो है एक ऐसी हीरोइन के निधन की कहानी सामने आई थी जिसकी चर्चा जो है आज भी होती है। जी हाँ, दिव्या भारती, जो कि 5 अप्रैल 1993 को उनका निधन हो गया था। उस दौर में दिव्या भारती जो है बॉलीवुड की उस दौरान टॉप की एक्ट्रेस थी। बड़ी बड़ी फिल्मों के उनको ऑफर मिल रहे थे, कई सारी फिल्में उन्होंने साइन कर रखी थी और अचानक एक रात ये खबर आई कि दिव्या भारती नहीं रही। तो दिव्या भारती के निधन का किसी को यकीन ही नहीं हुआ। उनका निधन हुआ, उसके बाद तरह तरह की कहानियां सामने आने लगी। किसी ने कहा कि दिव्या भारती का मर्डर हुआ है, तो किसी ने कहा कि किसी ने दिव्या को 5वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। कहीं ये थ्योरी आने लगी कि दिव्या भारती ने शायद वो शराब के नशे में थी और वो बालकनी से नीचे गिर पड़ी। तरह तरह की बातें हो रही थी। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जिनके ऊपर शक की सुई जा रही थी। उनके पति जो है साजिद नाडियाडवाला, उनसे भी पूछताछ हुई। लंबे समय तक ये केस चलता रहा, तमाम उनके परिवार वालों से पूछताछ हुई। बॉलीवुड के जितने संगी साथी थे जिनके साथ वो काम कर रही थी, उन सभी लोगों से पूछताछ हुई। दिव्या भारती का निधन जो है बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उस समय उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन कर रखी थी। मोहरा फिल्म उन्होंने साइन कर रखी थी, लाडला फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी थी। उनके निधन के एक हफ्ते पहले क्षत्रिय फिल्म रिलीज हुई थी, शतरंज नाम की फिल्म बन रही थी। उनके निधन के बाद हर कोई भौचक्का था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, एक अच्छी खासी 19 साल की लड़की और उनका निधन हो गया। 5वीं मंजिल से वो नीचे गिरी थी और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। और उनके पति उस समय घर में थे, फैशन डिजाइनर नीता लूला उस समय उनके घर पे थी। इसके अलावा उनके कुछ करीबी लोग थे और उन सभी लोगों ने यही बताया कि दिव्या जो है नशे में थी और बालकनी की तरफ गई थी और वो गिर पड़ी। बहुत सारे लोगों से पूछताछ के बाद भी पुलिस को ये पता नहीं चल पाया कि दिव्या भारती के निधन का सच क्या है। क्या उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई? ये जो है दिव्या भारती के फैंस आज भी मानने को तैयार नहीं होते कि दिव्या भारती ने मतलब वो उनका निधन जो है एक एक्सीडेंट था। बहुत सारे लोगों अंडरवर्ल्ड का नाम इसमें लगता है, किसी को लगता है कि उनके पति साजिद नाडियाडवाला की तरफ भी उंगली उठाई गई। फाइनली पुलिस को जब कुछ भी खास सबूत नहीं मिला तो दिव्या भारती की जो फाइल है उसको बंद कर दी गई। आपको ये बताएं कि दिव्या भारती जो है 14 साल की उम्र से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उनको बहुत सारे रिजेक्शंस झेलने पड़े। उन्होंने गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार के साथ एक फिल्म साइन की थी और उस फिल्म से उनको रातों रात बाहर कर दिया गया। उसके बाद वो साउथ की तरफ गई, साउथ में उन्होंने अच्छा डेब्यू किया। फिर उसके बाद दीवाना फिल्म में वो नज़र आईं, दिल आशना है फिल्म में वो नज़र आईं, विश्वात्मा फिल्म में उनको बहुत पसंद किया गया और उस फिल्म का जो है 7 समंदर पार गाना जो है आज भी कोई भी पार्टी जो है दिव्या भारती के उस गाने के बगैर पूरी नहीं होती। आज भी जो भी पार्टी होती है उसमें 7 समंदर गाना ज़रूर बजता है और लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया था। दिव्या भारती का डांस बहुत हिट हुआ था। बड़ी तेजी से उस दौरान बॉलीवुड में दिव्या भारती उभर रही थी और उसी दौरान दिव्या भारती ने साजिद नाडियाडवाला से शादी भी कर ली थी और ये एक सीक्रेट मैरिज थी। दिव्या भारती का जब निधन हुआ तो पता चला कि वो साजिद नाडियाडवाला के साथ रह रही थी, उनकी वो वाइफ थी और उन्होंने साजिद के लिए जो है इस्लाम कबूल कर लिया था और दोनों ने जो है करीब 9 महीने पहले जो है साजिद के घर पे ही निकाह पढ़ा गया था और दिव्या ने जो अपना नाम जो है सना नाडियाडवाला रख लिया था और उनके साथ वो रह रही थी और बहुत कम उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन दोनों का साथ बहुत लंबा नहीं रहा और दिव्या के निधन से कहा जाता है कि साजिद जो है डिप्रेशन में चले गए थे। लंबे समय तक जो है वो दिव्या के लिए परेशान रहे। बाद के दिनों में जो है दिव्या के निधन के 7 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की और ये शादी उन्होंने एक जर्नलिस्ट से की जिनका नाम वर्धा खान है। साजिद ने के 2 बच्चे हैं लेकिन अभी भी दिव्या के घर में जो है उनकी इमेज जो है उनके बच्चे जो है दिव्या को बड़ी माँ कहते हैं। और वहीं साजिद की वाइफ ने हमेशा इस बात को कहा है कि लोग मुझे बहुत ट्रोल करते हैं, ये कहते हैं कि दिव्या भारती की जगह तुम कैसे ले सकती हो। तो उनका ये कहना है कि मैंने कभी भी दिव्या भारती की जगह नहीं ली, मैं हमेशा से जो है दिव्या भारती को हमारे घर में जो है बड़ी माँ का दर्जा मिला हुआ है। जब भी उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है या उनका जन्मदिवस होता है या फिर उनसे जुड़ी कोई बात होती है तो हम उनके परिवार से जरूर जुड़ते हैं। और साजिद जो है भले ही दिव्या नहीं रही लेकिन साजिद ने जो है उनके परिवार से अपना संबंध वैसे ही बनाए रखा है। तो दिव्या भारती का 25 फरवरी को जन्मदिवस होता है
और तमाम जो उनके फैंस हैं उनको याद कर रहे हैं। दिव्या भारती जो है एक ऐसी अदाकारा थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही बबली दिखती थी, बहुत ही क्यूट सी दिखती थी, और उन्होंने उस दौर में जो है शाहरुख खान के साथ काम किया, गोविंदा के साथ उनकी शोला और शबनम हिट रही, दीवाना फिल्म में उनको बहुत पसंद किया गया। तो वहीं सनी देओल के साथ भी उनकी जोड़ी बहुत हिट रही, विश्वात्मा फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया। इसके बाद क्षत्रिय फिल्म में दोनों ने साथ काम किया था, उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज नाम की फिल्म की थी। उनकी फिल्म रंग जो है उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी, उस फिल्म में बहुत सारे जो है काम छूटे हुए थे लेकिन उनको किसी तरह पूरा किया गया और रंग फिल्म रिलीज हुई, शतरंज फिल्म उनकी रिलीज हुई। और बाकी वो फिल्में जिसमें दिव्या ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया था उनमें जो है हीरोइन रिप्लेस की गई, जैसे कि मोहरा फिल्म में जो है हीरोइन को रिप्लेस किया गया, मोहरा फिल्म में उनकी जगह रवीना टंडन आ गई। इसके अलावा जो है लाडला फिल्म में उनकी जगह श्रीदेवी आ गई। आपको ये बता दें कि दिव्या भारती को कहा जा रहा था कि दिलवाले दुल्हनिया के लिए भी उनको फाइनल किए जाने की बात थी, काजोल से पहले दिलवाले दुल्हनिया के लिए जो है दिव्या भारती को चुना गया था। इसके अलावा डर फिल्म में भी दिव्या भारती को कास्ट किया जाना था, लेकिन आमिर खान को जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तो उनको जो है दिव्या भारती बतौर एक्ट्रेस पसंद नहीं आई थी, तो उसके बाद जो है जूही चावला की फिल्म में एंट्री हो गई। ये बात अलग है कि बाद में खुद आमिर ने ही ये फिल्म छोड़ दी थी। तो बहुत सारी यशराज जो है क्षत्रिय फिल्म के बाद यशराज ने सोचा था कि दिव्या भारती को अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि दिव्या भारती को जो है वो अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं उससे पहले ही 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती जो है का निधन हो गया और बॉलीवुड में उनका एक करियर जो कि बहुत बड़ा करियर हो सकता था वो नहीं बन सका।